नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में और मैं आयुषी। आज विक्रम चौक में ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ बाकी सहयोगी दलों ने भी किसान आंदोलन में साथ देते हुए नारे लगाते हुए कहा, नो फार्मर्स नो। ये किसान किसान से करेंगे ठीक नहीं होता। आज क्या होश में आओ मोदी जी, होश में आओ, होश में आओ। क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत के साथ करेंगे? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। क्या है भारत बंद? सारे हाथ खड़े करके दोनों दोनों। आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? जिएंगे या मरेंगे? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है मोदी जी? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? आज क्या है भारत बंद? मोदी जी होश में आओ। हमारे बीच में वजीर साहब आ गए हैं और अभी कुछ थोड़ा सा हमारा भारत दर्शन करेंगे और जम्मू पद का अहवाल। नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर पीस पर फार्मर्स, पीस पर फार्मर्स, पीस पर फार्मर्स, पीस पर फार्मर्स। नोट नहीं लगते रुक कानू सबको के सब। आज किसान यूनियंस ने बंद रखा है, उसकी सपोर्ट में ट्रांसपोर्टर्स बाकी एक बार चुप करो यूथ विंग और वो सभी ऑर्गेनाइजेशनें जो नौजवान सभा है वो यहाँ पहुंची है। अभी ट्रांसपोर्टर्स और भी यहाँ आ रहे हैं, और भी जथेबंदियां यहाँ पहुंच रही हैं। ये जो मोदी जी काला कानून बना के अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फार्मर जो WTO है, WTO के प्रेशर में आके वो ये कानून बना रहे हैं। ये वर्ल्ड में चार फर्म्स हैं, जो मेन बड़ी फर्म्स हैं, ये उनका सब किया धरा हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये जो
कोविड था, कोविड में बाकी सभी बिजनेस जो है वो नीचे आए हैं, लेकिन जो ये खाने वाला था, अनाज था, गला था, इसकी कीमत जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो इसके लिए वो ये चाहते हैं कि इसको सबको ग्रहण किया जाए और इस सब पे कंट्रोल किया जाए, और वो जो बड़े दराज है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ किसान ही नहीं मरेगा, हम जितने भी लोग हैं, जो भी अन्न दाना खाता है, हर एक को, या व्यापारी जो है वो व्यापारी हमेशा अपना फायदा ज्यादा सोचता है, तो जब बड़े व्यापारियों के पास ये सब कंट्रोल आ जाएगा, तो बड़े व्यापारी ये कोशिश करेंगे कि हम बढ़कर इसमें से पैसा कमाएं, और जो चीज हमको आज 20 रुपए किलो मिल रही है वो 100 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी, ये 500% चीजें बढ़ेंगी। इसलिए हम आम लोग भी इस वक्त ये सोच के तैयार हो गए हैं कि हम सड़कों पे आएंगे और जो ये काला कानून है इसको वापस करने के लिए प्रेशर डालेंगे।